छः नंबर ध्यान दो, छः नंबर क्या कह रहा है यहाँ देखो बस वन के छः नंबर हो जाएगा सिक्स एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स एक्स वाई एंड यहाँ पे एक और दिया है टू एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा फोर वाई इज इक्वल टू यहाँ पे फाइव एक्स वाई इस सब में तू तीन से भाग कर दो कितना आएगा दो आएगा तो टू ये हो जाएगा ये टू हो गया ठीक है ओके अब देखो इसमें एक्स वाई से भाग किया तो एक्स एक्स कैंसिल हो गया नीचे वाई बच जाएगा बचाएगा भाई प्लस यहाँ पर तीन कम तीन हो जाएगा तो वन आएगा वाई से वाई कैंसिल कितना बचेगा एक्स बचेगा बराबर है देखो सिक्स हो गया सिक्स था तीन दूना छः दो हो जाएगा यहाँ पे अब इसमें भाग नहीं लगेगा तो कितना बचेगा दो बट्टा वाई अब फोर बट्टा इज इक्वल टू फाइव लेट यहाँ मान लो देखो यहाँ पर पी बराबर वन बाई एक्स ठीक एंड यहाँ पर किंग बराबर वन बाई वाई अब यहाँ ध्यान दो अब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो टू क्यू प्लस यहाँ कितना हो जाएगा पी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट अरे नहीं हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड यहाँ पे देखो वाई है तो यहाँ कितना हो जाएगा टू क्यू प्लस फोर पी इज इक्वल टू फाइव यहाँ पे टू पी है भाई तो यहाँ टू पी निकल दी टू पी ठीक हो जाएगा फॉर्म है एक से यहाँ पर इससे देखो तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा बहुत देर देखो तो यहाँ पर टू हो जाएगा माइनस पी हो जाएगा ये हो जाएगा बटे टू ये क्या हो गया यहाँ पर थर्ड नंबर यहाँ देखो पुटिंग अब इसको पुटिंग करो फटाफट पुटिंग क्यू इन सेकंड क्यू के मान सेकंड में रखो तो कितना हो जाएगा सेकंड में टू पी प्लस फोर इंटू टू माइनस पी बटे टू इज इक्वल टू फाइव तो यहाँ टू पी प्लस देखो आठ माइनस हो जाएगा कितना फोर पी भाई कितना हो जाएगा दस ये कितना जाएगा दस तब माइनस का चीज है तो माइनस टू पी ना हो जाएगा यहाँ पर है तो यहाँ पर इधर आठवा इधर है तो उधर माइनस में जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है आठ लिखो चाहे दस लिखो कोई दिक्कत नहीं होता है माइनस दस ये हो गया अच्छा तो कितना जाएगा कितना घटा दो यहाँ पे माइनस टू पी अब माइनस टू आ गया यहाँ पे अब कितना यहाँ कितना पी बराबर बराबर वन तो इसको उतार ये देखो यहाँ पुटिंग हो जाएगा कितना का मान लिया था पी के किन को मान लिया पी के मान निकला है ना की को निकला है पी के निकला है तब पी हाँ तब पी इन कहाँ फर्स्ट में ठीक तब पी के मान फर्स्ट में कितना आ जाएगा टू क्यू प्लस वन इज इक्वल टू हो जाएगा या यहाँ पे कितना हो जाएगा टू क्यू बराबर टू माइनस वन हो जाएगा तो यह क्यू बराबर कितना हो जाएगा वन बाई टू आ गया देखो यहाँ पे चूँकि यहाँ पे देखो p बराबर कितना लिखते हैं वन बाई एक्स इन था एंड यहाँ पे q बराबर वन बाई वाई तो चलो यहाँ देखो p का वैल्यू कितना है वन है तो वन बराबर कितना है वन बाई एक्स है ना यहाँ पे अब y कितना है एक बट टू हाफ इसका हाफ है तो हाफ लिखो यहाँ पे बराबर वन बाई वाई चलो यहाँ ध्यान दो ये गुना होता कितना जाएगा एक्स बराबर वन ठीक है ना एंड यहाँ पे ये होगा तो y बराबर टू y बराबर टू कितना जाएगा टू बाटा ना बाटा ठीक है या यहाँ पे जाएगा या यहाँ से लिख सकते हो हेलो तो यहाँ पर x बराबर वन हो जाएगा और y बराबर टू बटा वन या टू लिखो कोई दिक्कत नहीं है क्या थी आंसर एक है कौन नंबर भाई चलो इधर देखो चलो इधर दस बटा एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पर टू बटा प्लस है वो है यहाँ पर देखो फर्स्ट प्लस है फिर एक्स माइनस वाई बराबर चार एंड यहाँ देखो सेकंड यहाँ पर देख लो इधर ध्यान दो पंद्रह बटा एक्स प्लस वाई माइनस
एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू। चल देखो इसको सरिया लो, ठीक है ना। यहाँ लेट मानो, यहाँ पे p बराबर वन बाय, वन बटा क्या जाएगा x प्लस वाई, ठीक है ना। एंड यहाँ पर q बराबर वन बटा x माइनस वाई, ठीक। यहाँ ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर 10 है तो इसे क्या होगा, p होगा ना, यहाँ पे तो प्लस वाला है तो एक 10p, ठीक है ना। 10p प्लस यहाँ पर 2q इज इक्वल टू 4, फर्स्ट समीकरण। एंड देखो 15p ये देखा, 15 एक्स प्लस वाई है यहाँ पर, तो p यहाँ पर है। अरे यहाँ p बराबर एक बटा एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ दिया है 15 यहाँ पर, तो 15p ना हो जाएगा, माइनस यहाँ सॉरी माइनस आपका हो जाएगा 5q माइनस टू। चलो इधर आओ, हाँ इसका सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एक से, ठीक है ना। अब यहाँ देखो p के मान का, तो कहा जाएगा p बराबर 4 माइनस टू क्यू इज इक्वल बाई 10, ये कहा जाएगा यहाँ पर थर्ड नंबर। चलो यहाँ पुटिंग करो, अब पुटिंग यहाँ इसको पुटिंग कर दे, इसको रख देना, ठीक है ना। अब पुटिंग कहाँ करना है, अब पुटिंग करना है यहाँ पर p इन सेकेंड, p के मान दो में रखो, इसमें ये किधर है, ये आलम रखो, ठीक है। यहाँ देखो तो कहा जाएगा यहाँ पर 15 बार p है, देखा p तो p का 5 माइनस टू क्यू बटा 10, ठीक। अब माइनस 5q इज इक्वल टू माइनस 2, इसको कटा दो, अच्छा रहेगा, कटा दो इसको, 3। अब 4 तिया 12 माइनस कितना हो जाएगा, 6q माइनस 10q माइनस 4। इधर आओ, तो इधर ध्यान दो, यहाँ गया माइनस 4 यहाँ पर, ठीक बा भाई। अब देखो यहाँ पर ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, भाई कितना दोनों जुड़ जाएगा, 10 का 6 को माइनस 16 इज इक्वल टू, देखो बाबू सब माइनस कितना है, 4 माइनस 4 है, इधर माइनस में यहाँ माइनस 12 है, हो जाएगा यहाँ माइनस 16 क्यों हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 16 बटा माइनस 16 1। तो इसको उतार लो फटाफट जल्दी से, पुटिंग या क्यों का मान रहा था ना, तो क्यों इन कितना में, फर्स्ट में, क्यों के मान फर्स्ट में, क्यों के मान कितना है 1, तो देखो फर्स्ट है ना बाबू, है यहाँ पे 10 पी प्लस 2 × 1 बराबर 4, ओके जी। अब 10 पी बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा 2 है 2 2, तो पी बराबर कितना हो जाएगा 2/10 कट के 1/5, कोई दिक्कत यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको उतारा फटाक से। देखो वो यहाँ सर p, ठीक है ना, p का मान कितना आया है, p का मान है 1/5 तो 1/5 बराबर कितना जाएगा 1/x + y। एंड यहाँ पे आ जा, q का मान कितना 1 आया है, तो 1/x − y। चलो इधर ध्यान दो, ये गुना हो जाएगा, वो तो कितना हो जाएगा, ये गुना करो तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसको कितना समीकरण 4 रख दो, ठीक है, 3 हो गया है, हाँ। एंड यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई बराबर 1 हो जाएगा, फाइव सॉरी ये हो गया 5, ठीक है ना। अब इसका देखो इसको और इसको तुलो जोड़ दो, ठीक बा, एडिंग ए डबल एडिंग यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 एंड 5 यार, देखो अच्छी मत देखे, यहाँ कितना जाएगा एक्स प्लस वाई बराबर 5 एक्स माइनस वाई बराबर 1, ठीक है ना। अब 1 आगे वो देखो यहाँ पे जोड़ में कुछ भी, अब ये कटेगा 2x हो जाएगा x, अब 5 × 6 तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 3, हाँ 3 आ गया एक्स बराबर, तो अब यहाँ देखो, अब यहाँ देखो यहाँ पुटिंग देखो, यहाँ PUTTING पुटिंग यहाँ देख लो, पुटिंग यहाँ पर एक्स इन कहाँ पर आ गया, फर्स्ट में रखो चार सेकंड में, ठीक है ना, फर्स्ट में रखो एक्स के मान, एक्स इन कितना यहाँ पर 4 में, 4 में रख दो तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू देखो है ना, है तो 3 है, 3 प्लस
वाई बराबर फाइव हो गया, तो पांच में से तीन ए चुप नहीं, वाई बराबर कितना जाएगा फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पर वाई बराबर कितना आ गया टू, अतः यहाँ पर लिख देना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया थ्री और वाई बराबर टू, उतारो भाई देखो यहाँ पे भाई साहब यहाँ ध्यान दो भाई, आठ नंबर देखो यहाँ पे वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई प्लस यहाँ पर हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, थ्री बाई फोर, ठीक है ना। सेकेंड यहाँ पर देख लो इधर लिख दे रहे सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर हो जाएगा वन बट्टा टू इंटू थ्री एक्स प्लस वाई माइनस यहाँ पर वन बट्टा टू, ठीक है ना, ये इधर टू रहेगा यहाँ पे टू इंटू कितना हो जाएगा थ्री एक्स वाई इक्वल टू कितना है वन बाई एट आ रहा है, इधर ध्यान दो। लेट यहाँ पे मान लो पी बराबर वन बाई थ्री एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पर क्यू बराबर वन बाई थ्री एक्स माइनस वाई, अब इसको बैठाओ देखो बस यहाँ पर यही ना फर्स्ट है तो इसमें कितना हो जाएगा खड़े हो जाएगा पी हो जाएगा भाई, तो हो जाएगा पी प्लस या क्यू हो जाएगा बराबर थ्री बाई फोर, इधर ध्यान दो। और इसका फर्स्ट यहाँ पर हो गया समीकरण, ठीक है, कौन सा थ्री पर यहाँ पर दिया हुआ है भाई, यहाँ पर एंड देखो यहाँ पर एंड कहाँ हो जाएगा यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा पी बाई या पी बाई टू हो जाएगा यहाँ पर टू नीचे है माइनस यहाँ पर क्यू बाई टू इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन बाई एट। अब इसको भी दोनों को फरिया लो देखो यहाँ पर इसको रहन तो पर यहाँ नीचे फरिया एक लाइन हो रही तो करना बराबर दे देना आराम से कितना हो जाएगा फोर पी हो जाएगा प्लस यहाँ पर थ्री बाई फोर क्यू इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा, इसको मान लो फर्स्ट। चलो अब बनेगा आसान से, अब ये कितना हो जाएगा तुम लोग बताओ, अगर पी बराबर क्या होगा थ्री माइनस फोर क्यू बट्टा फोर, एक का नंबर हो गया थर्ड नंबर, पुटिंग करो पुटिंग पी इन सेकेंड, सेकेंड किधर है उधर है यहाँ पर देखो एट इंटू कितना हो जाएगा थ्री माइनस फोर क्यू बट्टा हो जाएगा, आप उसके बाद क्या है माइनस एट की माइनस टू, समझ में आ गया ना, चार दूनी दो यहाँ पे आ गया इधर आओ, अभी कितना हो जाएगा तीन दूनी छः और माइनस कितना हो जाएगा चार दूनी आठ क्यों हो जाएगा ना भाई, कितना है माइनस आठ क्यों इज इक्वल टू कितना जाएगा हुआ माइनस टू, इधर देखो कितना जाएगा आठ आठ सोलह तो माइनस सोलह क्यूब माइनस टू इधर कितना जाएगा था माइनस छः माइनस सोलह क्यों माइनस आठ या यहाँ पर क्यों इज इक्वल टू कितना जाएगा माइनस आठ बाई माइनस सोलह वन बाई टू, कोई दिक्कत उतारो पुटिंग यहाँ करो भाई पी यू है यार तो स्टाइल में हो गया कौन दिक्कत नहीं, पुटिंग किसका मान गया था क्यों का मान गया था तो क्यों इन किस में रखते फर्स्ट, देखो यहाँ पे तो फर्स्ट कहाँ है खोया था इधर है इधर, तो कितना रखना है यहाँ पे फोर पी फोर पी प्लस फोर क्यू कितना वन बाई टू जी बाई टू अब बराबर यहाँ पर कितना जाएगा थ्री, चलो बाबू से यहाँ ध्यान दो ये जाएगा फोर पी प्लस यहाँ पे दो दो चार टू हो जाएगा यहाँ पे बराबर थ्री, यहाँ ध्यान दो। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये फोर पी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे फोर पी इज इक्वल टू थ्री माइनस टू थ्री माइनस टू हो जाएगा ना जी। अब फोर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन ओ सॉरी देखो यहाँ पे अरे फोर पी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा वन या यहाँ पे पी बराबर कितना हो जाएगा वन बाई फोर, ठीक है इसको उतारो फटाक से देखो ये चूंकि यहाँ पे ध्यान दो हुआ पी के मान कितना दिया है कितना है हाँ वन अपॉन फोर वन बाई
थ्री एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पे बराबर यहाँ पे कितना क्यूब का मान कितना वन बाई टू वन बाई थ्री। अब देखो बबुआ सब यहाँ ध्यान दो, इसको कर दो कितना आएगा थ्री एक्स प्लस वाई बराबर फोर आ जाएगा भाई जी। इसको कितना मान लो संकुलन चौथा फोर, ये गुना करते हुए कितना आएगा थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू कितना जाएगा टू फाइव। अब देखो यहाँ पे कोई कटने वाला है देखो हाई हाई कट जाएगा वाई वाई दवा दे देखो यहाँ पे इसको एडिंग करो नहीं कटेगा बाबू हाँ एडिंग आप कितना फोर एंड फाइव यार जोड़ेंगे तो घटाना पड़ेगा उसको फिर तो यहाँ फाइव हो जाएगा देखो यहाँ पे थ्री एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पे फोर चलो यहाँ थ्री एक्स टू वाई वाई छः एक्स सिक्स यहाँ लिख दो एक्स बराबर वन आ गया सिक्स बाई सिक्स वन कट जाएगा यहाँ देखो पुटिंग पुटिंग यहाँ पे देखो कितना एक्स इन किसमें रख दे फर्स्ट में एक्स इन कितना चौथा में चौथा वो अलग हो गया देखो यहाँ पर चौथा यहाँ पर है थ्री गुना वन ही हो जाएगा प्लस वाई बराबर फोर या यहाँ पर वाई बराबर फोर माइनस थ्री हो जाएगा ना भाई वाई बराबर वन अतः यहाँ पर हिंदी में लिख दो एक्स बराबर भी वन और वाई बराबर भी वन कोई दिक्कत करो।